दिल्ली के नांगलोई इलाके में नाले में डूबने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। बच्चे का नाम विकास था। बच्चा खुले नाले के पास से गुजर रहा था और अचानक इसमें जा गिरा। लोगों ने बच्चे को बाहर निकालने की काफी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। जब तक पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, बच्चा नाले में ही डूब गया या यूं कह लीजिए तड़प कर दम तोड़ गया। कड़ी मशक्कत के बाद अब बच्चे का शव नाले से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों में हादसे के बाद नाराजगी है जो कि लाजमी है। उनका कहना है कि पहले भी कई हादसे हुए लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और फिर भी दावा किया जाता है कि दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन शहर है। यहाँ पर एक 12-13 साल का बच्चा था और वो साइड से आ रहा था, वो नाले में गिर गया। हाँ जी, और उसकी गिरते ही मौत हो गई है। आपको कैसे पता लगा ये? हाँ, मैं ऊपर अपनी छत के ऊपर खड़ी थी जब वो बच्चा मेरे सामने ही गिरा है। आपके सामने गिरा? हाँ जी। उसके बाद किसने निकाला? उसके बाद पहले पब्लिक कोशिश कर रही थी, जब वो बच्चा नहीं निकल पाया तो फिर ये पुलिस वाले आए, उन्होंने निकाला। ऐसा है 3 बजे के आसपास की बात है, मैं तो अंदर बैठा हुआ था और आमने सामने जो मकान है जहाँ पे हादसा हुआ है उन्होंने इस बच्चे को देखा था। बच्चा हाथ पैर मारा था, हाथ भी ऊपर से निकाला था, उसके गर्दन भी ऊपर सर भी निकाला था और बचाने भी भागे हुए, इतने में वो नीचे डूब चुका था। फिर कोई जागीर कोई आता जा रहा था, उसने कोशिश करी निकालने की, वो भी कूदा था इसके अंदर तो वो भी नहीं ढूंढ पाया। फिर उसके बाद पीसीआर कॉल करी, हमने जब भी कर दी थी पीसीआर कॉल करी तो पीसीआर आ गई थी 15-20 मिनट के बाद। उन्होंने फिर ट्राई करते रहे, बच्चा गिरा था 3:10 पे और ये नहीं रिकवर हुआ, 5:10 के आसपास की बात है।